बंद कर दो, बंद करते हैं, छोड़ दो। मैं कुछ 5:30 पे यहाँ से गई हूँ, उस वक्त मगरब की अजान हो रही है और आज भी सुबह से आके यहीं पे बैठे हुए हैं और अब घर जा रहे हैं। और इस दौरान जो कुछ हुआ है आप देखते रहे, जो जो सुबह भी दिन को भी मैंने चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट की है और अब फिर उनसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ख़त्म कर दें सारा सिलसिला जो कुछ हो रहा है सारा वक्त इस मुल्क के साथ, इससे बढ़ के और ज्यादा पाकिस्तानी आवाम के साथ और मत करें और ख़ास तौर पर गरीब वर्करों के साथ, वो मैं अभी बात करते हैं। मुझे ज़्यादा दुख वर्कर्स का आ रहा है जिन बेचारों का कोई परेशान हाल नहीं, उनके पर रहम करें और कुछ इसका सोचें कि किस तरह करना है, क्योंकि ये इलेक्शन जो है ना ये तोड़ चढ़ते जिसको कहते हैं पंजाबी में, वो तोड़ नहीं चढ़ने नज़र आ रहे बिल्कुल। और आज जो उन्होंने किया हमारे साथ जिस पर मुझे ज़्यादा तेज चढ़े और मैं फिर जो कुछ फिर मैं बोल सकी हूँ सारा वक्त मैं बोलती रही हूँ, मैं वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि इस तरह होएगा। मैं और बेटी हम अंदर जा रहे थे लेके पेपर, पहले उधर अंदर की जो भी अंदर इनकी हॉल है जो भी है, सीढ़ियों के पास पहुँचे हैं तो इन्होंने मेरे हाथ से ये पेपर चपट्टा मार के तो छीने हैं, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे से कोई इस तरह पेपर छीन सकता है। इनको पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी बेटी हूँ, मैं किसकी बीवी हूँ, मैं किसकी माँ हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि ये मर्द है ये क्या है, मर्द कहलाने के हकदार ही नहीं है। लोग औरतों से पेपर छीन रहे हैं, ये औरतों पे सर जाती कर रहे हैं, ये अपने आप को मर्द ना कहें। और अब जो इन्होंने किया है ये पेपर, फिर हमने वहाँ से हाई कोर्ट से ऑर्डर आए हैं जिसमें लिखा गया तफसील से कि इनके पेपर आप वसूल करें, हाई कोर्ट के जज के ऑर्डर थे, मेरा, मेरे हस्बैंड का, परवेज का और मेरे बेटे का, तीनों का उन्होंने लिखा था कि इनके आप ऑर्डर वसूल करें हर सूरत और इनके पेपर मतलब वसूल करें नॉमिनेशन पेपर वगैरह। उस इतने ये डरे हुए हैं, इतने बुजदिल लोग हैं, मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, किस तरह के हैं, कि 2 घंटे इन्होंने लगाए हैं पेपर वसूल करने, वो नहीं वसूल कर रहे थे, कहते थे कोर्ट का ऑर्डर नहीं वसूल कर रहे कि आप खुद अंदर लेके जाएं। मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता मैं जब बेटी अंदर जाए, जो सुबह इन्होंने हरकत की है हम तो कभी सवाल ही नहीं पैदा होता कि अंदर जाएँ, जिन्होंने भी करना है बाहर आके हमारे से बात करें, बाहर आके वसूल करें। वो एक हल्के कि उन्होंने बाहर आके गेट पर मैं बैठी थी, बड़े अच्छे लोग थे, अच्छे लोग भी अभी इस मुल्क में हैं, हर रोज़ थे, उन्होंने यहाँ के वसूल किए, यहीं से उन्होंने लेटर दिया, वो जो रसीद होती है वो खुद उन्होंने अपने पास रखी है और फिर हमने उसकी फ़ोटो उतार ली। ये वो दिन के वक्त की बात है, अब तो शाम होने पे है। उसके बाद जब हाई कोर्ट के ऑर्डर आए हैं वो हमने इनको कह के वसूल करें, ना पुलिस वाले वसूल करते थे ना कुछ, मैंने कहा कागज़ हैं कुछ नहीं है जी आप अंदर पहुँचा दें उनको, नहीं आप खुद चलें। मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमें आप बिल्कुल किसी का एतबार नहीं, हम अंदर नहीं जाए, अंदर से बंदे भेजते थे बाहर से पुलिस वाले, कि अच्छा आप कोई लॉयर साथ ले जाएं तो आप खुद चले जाएं। मैंने कहा नहीं हमारे सिर्फ लॉयर जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, अगर हमने जाना है तो पूरे लॉयर जाएंगे, सारे मीडिया जाएगी अपनी रिकॉर्डिंग के साथ अपने टेलीफोनों के साथ, ताकि वो देख सके कि अंदर ये क्या करते हैं हमारे साथ, क्या सलूक करते हैं, क्योंकि बिल्कुल कोई एतबार किसी चीज़ का रहा ही नहीं ना। तो इस तरह से जो हुआ पूरे 2 घंटे बाद आके फिर हमारे 2 वकीलों को उन्होंने कहा कि आ जाएं आप, क्योंकि मैं तो बाहर ही बैठी हूँ सुबह से, आप लोग देख रहे हैं ना जो, तो उसके बाद फिर इन्होंने हमारे 2 वकीलों को इजाज़त दी है, फिर वो जाके ना तो इनको वो दे के आए ऑर्डर, इधर है कॉपी इनको दे देना आप, इन कोर्ट के ऑर्डर को रिसीविंग नहीं थी, कोर्ट के ऑर्डर उन्होंने ले लिए वैसे, फिर उन्होंने वसूल कर लिया। तो अब मुझे नहीं पता कि अब आगे होना क्या है, क्योंकि वो कागज़ तो मेरे पास हैं, ये वाले क्या है एन एस तो ना एन एस 64 के, ये हमें वापस ही लेके जा रहे हैं। दूसरा रोज आपके कागज नहीं जमा हो रहे, दूसरी जानिब लाडलों को वो फौरी दे रहे हैं, वो तो उस बात के लिए तो मैं सुबह बहुत बोल चुके हूँ,
अब अगर आपके पास नहीं है रिकॉर्डिंग या नहीं आपने किया तो मैं अब उस पर दोबारा नहीं बोल सकती जो लाडरों के साथ जो ये कर रहे हैं जो हमारे साथ कर रहे हैं।